कल एनडीए सरकार की अग्नि परीक्षा है और नीतीश कुमार के लिए ये परीक्षा बेहद अहम है। विधायकों की संख्या उन्हें सदन के अंदर गिनवानी है, यूं कहे तो फ्लोर टेस्ट पास करना है, लेकिन जो मुश्किलें हैं वो जेडीयू के ही विधायक नीतीश कुमार के लिए बढ़ाते नज़र आ रहे हैं। कई विधायक आज जो अहम बैठक विजय चौधरी के आवास पर हुई उससे नदारद नज़र आए, उनमें से एक बरभीघा के विधायक हैं सुदर्शन। इस वक्त हम सुदर्शन सिंह के जो आवास है उसके बाहर मौजूद हैं और निश्चित तौर पर जिस गाड़ी से सुदर्शन सिंह चलते हैं वो गाड़ी भी आज नज़र नहीं आ रही। कहा जा रहा था कि सुदर्शन सिंह अपने क्षेत्र में हैं और पटना के लिए निकल चुके हैं। कल बिहार विधानसभा का जो बजट सत्र है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि जहाँ एक तरफ मौजूदा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, उनको लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू, जिसे फ्लोर टेस्ट पास करना है, एनडीए की सरकार बनानी है, वो जेडीयू अब कमज़ोर नज़र आ रही है और अपने ही विधायक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस वक्त गच्चा देते नज़र आ रहे हैं। अपने ही विधायक नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं और निश्चित तौर पर सुदर्शन सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी नाराज़गी नीतीश कुमार से नहीं है, बल्कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जो हैं अशोक चौधरी, उनसे है, और यही कारण है कि वो दूरी जेडीयू से बनाते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये शिकायत की थी कि अशोक चौधरी उनके क्षेत्र में उनके लिए परेशानी बन रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं और जो उनके लोग हैं उनके बीच गलत मैसेज भेज रहे हैं। ऐसे में अब जब सुदर्शन सिंह का एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है जनता दल यूनाइटेड के लिए, उससे पहले उन्होंने जो अपना मोबाइल फ़ोन है उसे स्विच ऑफ कर लिया है। भले ही वो बरबीघा से पटना के लिए चले हैं लेकिन अब तक अपने आवास नहीं पहुंचे। अंतिम बार जब उनसे बातचीत हुई थी फर्स्ट बिहार की, तो उन्होंने कहा था कि 3:30 तक पटना में रहेंगे, लेकिन अब जो 5 बजे से बैठक विजय चौधरी के आवास पर शुरू हुई उसके बाद अब तक सुदर्शन अपने आवास नहीं पहुंचे हैं और ना ही वो जो बैठक हो रही है उसमें शिरकत कर रहे हैं। बड़ा चैलेंज इस वक्त है जनता दल यूनाइटेड के लिए, बड़ा चैलेंज तमाम घटक दल जो एनडीए में है उनके लिए कि कैसे कल सदन के अंदर जो फ्लोर टेस्ट है उसे पास किया जाए, बहुमत साबित करना है और आंकड़े जो हैं वो 122 के होने चाहिए। वहीं बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के भी 2 विधायकों के रडार से होने की बात कही जा रही है, जिसमें एक रश्मि हैं तो दूसरे मिश्री लाल। और अब जब जेडीयू के कई विधायक उनके रडार से बाहर हैं तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए कल का जो बड़ा दिन है वो अग्नि परीक्षा बहुत बड़ी होगी और कैसे इस चुनौती को जनता दल यूनाइटेड सदन के अंदर पास करती है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इस वक्त हम सुदर्शन सिंह जो कि जेडीयू के बरबीघा के विधायक हैं उनके आवास के बाहर हैं और यहाँ सन्नाटा और सन्नाटे के बीच मुश्किल नीतीश कुमार के लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।